नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने मॉरल साइंस की किताब से एक चीज तो सीखी थी, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। पर आज इस बात के मायने वैसे ही बदल चुके हैं जैसे इंडियन क्रिकेट फैंस के हार्दिक पांड्या को लेकर इमोशन। दोस्तों, मेहनत और लगन जैसे शब्दों की चिता तब से ही तैयार होने लगी थी जब टिकटॉक नामक राक्षस ने 10 सेकेंड में भांडपना करने वाले क्रिएटर्स को सक्सेस का वरदान दे दिया। और आज इस चिता में जिसने फाइनल आग लगाई है वो है बदमाश एबाज खान और मास्टर लॉरी। दोस्तों, हाल ही में हुए एक सर्वे में उन लोगों को बुलाया गया जो इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सब लोगों से उनके गेम प्लान के बारे में पूछा गया और सर्वे के नतीजे देख के आप लोग शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, देखिए ये शॉकिंग वीडियो। हाँ जी सर, तो बताइए इंटरनेट पर फेमस होने के लिए आपका क्या प्लान है? भाई, हमारा तो सीधा सा हिसाब है, हम चलते हैं ट्रेंड के ऊपर। और ट्रेंड ये कहता है कि मेहनत करो झाट भर और गुंडागर्दी करो रात भर। भाई, किसी को गाली दे देंगे, किसी को धमकी दे देंगे, किसी की वीडियो बना देंगे और वो वीडियो इंटरनेट में 2 मिनट में वायरल, फिर हम छा जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या प्लान है? मेरा तो सिंपल है, मेरे पापा ने घिसवा के बहुत पैसा कमाया, मैं उस पैसे से बॉलीवुड में अप्रोच लगवाऊंगा और सिलेब्स के साथ ऐसे चिपक के फोटोज लूंगा, बस बाकी का काम मेरा पीआर कर देगा एंड आई विल बी एन इंटरनेट सेंसेशन इन नो टाइम। मास्टर लॉरी, मैं आपकी इस लेगेसी को बहुत आगे लेके जाऊंगा। अरे क्या बात है सर। हाँ जी सर, तो बताइए आपका क्या प्लान है? मेरा तो बस यही है कि अच्छा कंटेंट सोचूं और डालूं और उसके बाद धीरे धीरे लोग मेरे को पहचाने। अबे क्या बोल रहा है ये? सोचूं डालूं हैं? आई नो, ही इज सो वियर्ड, हु इज ही? भाइयों, ये ऐसी बात करके हमें लक्ष्य से भटका रहा है। मारो साले के, मारो मारो मारो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बदमाश एबाज और मास्टर लॉरी ने अपने शॉर्टकट टू फेम थ्योरी किस तरह लोगों के कॉन्शियसनेस में भर दी है। पर दोस्तों, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए मशहूर शायर शेख पूरब बिहारी ने ये कहा, स्कूटर में 4 पहिए लगाने से वो कार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, शॉर्टकट टू फेम देता है सिर्फ 2 दिन का सुख, उसके बाद फाड़ता है ऐसी गांड की उस गांड फटी की कोई आवाज नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले घोड़ी बनाते हैं उसको जो ड्रग्स को च्युइंगम की गोली समझकर खा जाता है, हमारे बदमाश एबाज खान। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं और टेलीटबी का ये लड़का इस चीज को साबित करने में लगा हुआ है। जब ये जंगली भालू गांजे की 2 पुड़िया पे आने वाली लड़कियों के साथ ऊद बिलाव रीले नहीं बना रहा होता तब ये जाता है लाइमलाइट की तलाश में और इसके काम करने के प्रिंसिपल को कहते हैं गांडू निकला गुंडा बनने। बेटा पकड़ लिया, यही होता है बेटा, कोई कोई ना हमारे जैसा भी होता है। अरे हम लोग ओची लोग, अरे ओची। ये कैरी है? ओ बेटा, कैरी नहीं, पूरा दशहरी आम हूँ, बता चूसे का गुटली मेरी। ए जोक मत मार इधर, समझा क्या? जोक बराबरी वालों के साथ मारा जाता है और हम तेरे से बहुत नीचे हैं, समझा? चल बता दे तू कैरी में लटी है। नहीं हूँ। तू कैरी नहीं है ना? अभी देखना कैसे पकड़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं, पागल है पागल, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दप्पा, पकड़ लिया साले को, पकड़ लिया। टैगलाइन चेंज करनी पड़ेगी अब। मास्क उतार बेटा, ये देखो ये कैरी है, इसने मेरे पे रोस्ट बनाया था, मेरे फैंस को सॉरी बोल दे। चल अबे, 150 रुपए में पीछे चलने वालों को भीड़ बोलते हैं, फैंस नहीं बोलते। और इतने ही तेरे फैंस हैं तो इलेक्शन में जब तू खड़ा हुआ था कितने लोग आए थे वोट देने के लिए? कट मार दे रहे इसको, हम लोग ओची लोग हैं ओची, ये सब बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। देख कैरी, तू सॉरी बोल दे मेरे फैंस को, नहीं तो मैं तेरा गाना तेरे को ही सुना दूंगा। बता, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये टॉर्चर मत कर भाई, ये टॉर्चर। बोल रहा हूँ सॉरी बोलना है, बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो I'm sorry। बस ठीक है, देखा बेटा यही होता है हर बिल में ना हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता, किसी में सांप भी होता है, समझा? ए, बिल में सांप है, वहां तो एल्विश भाई भी होंगे। अरे कब तक एल्विश के नाम का फेम खाएगा? ये पूरब जाकी वीडियो है, उसका पूरा चैनल एल्विश के नाम पे चल रहा है। बात तो सही है, वो ची लोग भी एग्री करते हैं इससे, बात तो सही है। अबे बचकाने, कितना समझाया तुम लोगों को बेटा, ओची लोग हैं हम लोग ओची,
ये जो एलवेश और कटारिया के जो फॉलोअर्स है ना, जो मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारा एलवेश और कटारिया भी मेरे को दिल्ली या बम्बई कहीं भी दिखा तो बेटा दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। बेटा फाइव स्टार होटल है तुम्हारा तिहार, फाइव स्टार अत्तर रोड 35 के मिनाल एक जगह, समझा गया? कोई भी यूट्यूबर मेरे पे वीडियो या रोस्ट बनाता है तो मेरी आईडी जरूर टैग करना, फॉलोअर्स मुझे भी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा देश इज्जत करता है अपनी, समझा? अबेस हरामखोर, सलाम अलैकुम मालिक। ये धरावी का सुल्तान मिर्जा बंदा बंद कर और टेबल साफ कर। अब तेरे हाथ में मोबाइल दिख गया तो तेरी आज की दिहाड़ी मार लूंगा। भाई लोग है अपने बोल सकते हैं, और कोई नहीं, ओची लोग है हम लोग, ओची क्या रे? मैं जाना थोड़े जाके पराठा ले गया। ओची 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 करना बंद कर दे। पहली बात तो वो ओजी होता है और वो तू है ओरिजिनल गांडू। इसने अपने से आधी उम्र के लड़के पर हावी होकर अपना करियर रिवाइव कर लिया। अब आप इस मैप पर नजर डालें तो लाल रंग के बिंदु ये दर्शाते हैं कि एबास खान को अपनी इसी हरकत के लिए देश के किस किस कोने में गालियां दी जा रही हैं। पर यही हैक था इस बागड़ बिल्ले का, इसको पता था कि बदनामी में भी एक नाम तो है। एबास तुझे सच में स्किल्स डेवलप करके फेमस होना है तो मेरा कोर्स ले ले, तेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, कूपन कोड है। खैर कूपन कोड तो सबको मालूम ही है, कमेंट करके एबास को भी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैं दाद देना चाहूँगा कैरी को, क्योंकि उसने बहुत ही मैच्योरिटी से सिचुएशन हैंडल किया, सॉरी बोला उस चीज़ के लिए जो उसने कभी करी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैरी ने कभी इस नाला सुपारा के नाले को रोस्ट किया ही नहीं। अरे बदमाश एबास, इंटरनेट पर गुंडा बनना उतना ही आसान है जितना हक कर गांड धोना। कैरी की जगह उस दिन और कोई उल्टी खोपड़ी का बंदा होता तो तेरी कत्थे सी शक्ल को पान में डाल के चबा जाता। खैर दोस्तों, इस अधेड़ू मल के लिए मेरे पास और पॉइंट्स थे, लेकिन अभी वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं मास्टर लॉरी पर। आखिर कौन है ये मास्टर लॉरी? पापा के पैसों के नदी में गोते लगाने वाला ये प्रिविलेज्ड बरसाती मेंढक और छानवी कपूर की कुंडली में लगा हुआ दोष, ये है मास्टर लॉरी। इसका इंटरनेट पर रेलिवेंट रहने का एक ही प्रिंसिपल है दोस्तों, जो कि है टैलेंट नहीं है झाट के, पॉपुलर हो जाऊं पैसे बांट के या फिर सबकी चाट के। हाय छानवी। Hey Lori, I got your text. Tell me, what happened? I have a very good gossip for you. You know that cricketer Riyan Pan Parag? उसने पता है मेरे को क्या बोला? अनन्या और सारा की हॉट पिक्स के बाद उसको तेरी हॉट पिक्स चाहिए। What? Yeah, he texted me कि लॉरी तू तो मेरा भाई है ना, चांदवी की हॉट पिक्स भेजना। बट मैंने उसको बोल दिया, होगा तू भाई, पर मैं तो बहन की लॉरी हूँ, अपनी चांदवी बहन की। I can't betray you, babe. Oh. Yeah, babe. Now promise me, you will take me to Karan's house party, na? वहाँ बहुत सारे पैप्स होंगे, मेरे को बहुत सारे पिक्चर क्लिक्स कराने का है, please. Hello. Bitch. Lori, come here. I have got something for you. Coming, Dad. Hi, Dad. Hi, beta. Lori, my son. Happy birthday. Thank you, Dad. What is this? बेटा ये हाई बॉक्स से तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज बॉक्सेस मंगाए हैं। पर इसमें क्या है डैड, मेरे को जानने का है। कम ऑन बेटा, अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसा? गो ऑन एंड ओपन इट। यस आई एम एक्साइटेड। इतने
सारे महंगे और अमेजिंग सरप्राइजेस, बट बाकी के बॉक्स ना मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ खोलने का है, पर मैं ये लेके कैसे जाएगा? इट्स वेरी इजी लॉरी, हाई बॉक्स ऐप पर जाओ और अपने बॉक्सेस ओपन करो, और सबसे बेस्ट चीज, अगर कोई चीज पसंद ना आए उसे रीसेल करके अपना प्रॉफिट बनाओ। हाउ डैड? ये लो बेटा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ओह प्लीज शो, ये देखो ऐप पर गए, 300 वाला बॉक्स खोला, ये PS5। वाओ डैड, डैड डैड डैड, एक एक मिनट, ये 15,000 वाला खोलो ना, इसमें क्या है मेरे को जानने है। ओह नो, आई डोंट लाइक इट। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, इस वाले बॉक्स को हम रीसेल कर देते हैं 1% प्रॉफिट के ऊपर। प्लीज डैड मेरे को दिखाओ, ये भी देखना है मेरे को कैसे होता है। ठीक है बेटा, ये रीसेल ऑप्शन पे गए हम। ओके, इसको हमने क्लिक किया। ओके, और इसको 1% प्रॉफिट हमने बेच दिया। वाओ डैड, दिस सो इजी ना बेटा, ये तो कमाल है। हाई बॉक्स ऐप पर 0% लॉस और 100% प्रॉफिट। वाओ डैड, इज सो नाइस। बट आप इतना प्रॉफिट का करता क्या है डैड? जस्ट वेट बेटा, अभी बताता हूँ। एक और गिफ्ट कार्ड, इसका क्या करने का है? रीड इट। दिस इज टू सर्टिफाई कि अगले कुछ सालों तक पापा राजी मास्टर लॉरी का लैंड पकड़ के झूलेगी। डैड, डोंट टेल मी कि आपने सारे पेप्स मेरे लिए खरीद लिए। वाओ डैड, थैंक यू, लव यू। तुम लोगों को कैसे पता लग जाता है मैं किधर भी जाता है, तुम लोग वहीं आ जाता है। अरे तुम ही तो बुलाए हमको। ए, ये बात ना एड्स की तरह होती है, इसको फैलानी नहीं होती पागल। अरे आयान खान आ गया, आयान खान, उसका भी डाइवोर्स हुआ है, पकड़ो उसको, पकड़ो, बाइट लो बाइट लो। ए, ए, किधर जा रहे हैं तुम लोग? पैप्स आयान भाई, आयान भाई, आयान भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। आयान भाई क्या सूट है भाई, एक नंबर भाई। आयान भाई क्या चश्मा? नहीं भी ठीक होगा तो ठीक हो जाएगा, लॉरी का बेस्ट फ्रेंड है, लॉरी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को हमेशा खुश रखता है। आप दोनों दोस्त हो? यस वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों आयान? अबे शीघ्र पतन की गोली, तू है कौन? आई नो आयान तुम नाराज हो, मैं कल आ नहीं पाया तुम्हारी पार्टी में, बट आई वॉज एट अनदर पार्टी एंड आई वॉज सो ड्रंक। प्लीज एक फोटो ले लेते हैं, आ जाओ। चलिए, खाली पीने का ले लग रहा है। आ जाओ, एक फोटो प्लीज आयान, प्लीज एक फोटो, बहुत जरूरी है, एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे। दूर हो, एक फोटो। मम्मी ओके। सो व्हाट डू यू डू? लॉरी करता क्या है? आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, मैं सॉन्ग राइटर भी है, मैं सिंगर भी है, मैं फैशन डिजाइनर भी है, समटाइम्स आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, यू नो, आई बिकम अ नेट, जिसपे लोग गोल नहीं मारता, सब लोग गोल मारता है, मैं वो भी बनता है। एंड एज यू नो, मेरा हाइट और साइज दोनों छोटा है, तो मैं कभी कभार अपने लोनली फ्रेंड के लिए डिल्डो भी बनता है। आई डू एवरी थिंग, आई वर्क रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ, यू नो। So you are like a proper 9-to-5 guy? No, I'm working on myself. I do yoga, I do gym, I run, I take massages. I'm just living. I'm a liver. वो liver वाला part record किया ना? वो प्लीज मेरी पीआर टीम को भेज के वायरल करवाओ, मेरे को वायरल होने का है। Who's next? मेरी बारी है, मेरी बारी है। ओए हट, मेरे को भी मरना है। पक्का सुसाइड की मोटिवेशन मिल जाएगी ना, हर बार मरने जाता हूँ फट जाती है मेरी। तू 5 मिनट से ज्यादा मेरी बातें अगर झेल पाएगा ना तो बताना। यू नो हु आई एम? आई एम अ लिवर। देखा दोस्तों कैसे मास्टर लॉरी वैलिडेशन की पीपनी पर नाचते हुए इंटरनेट पर जिंदा रहना चाहता है, और कमाल की बात यह है दोस्तों कि हम इसको वो अनडिजर्विंग वैलिडेशन दे भी रहे हैं। ताली दो हाथों से बजती है दोस्तों, और इसके सक्सेस की ताली में अगर एक हाथ इसकी पीआर का है तो दूसरा हमारी वैलिडेशन का है। दोस्तों आज के डेट में फेम एक ऐसा नशा है जो हर कोई पाना चाहता है। पहले इस नशे के लिए लोग मेहनत का रास्ता चुनते थे, अपने टैलेंट को तराशते थे, पर आज बदमाश एबाज और मास्टर लॉरी जैसे लोगों की वजह से सबको शॉर्टकट टू फेम की बीमारी लग चुकी है। इनकी इन्हीं हरकतों को देख के मन करता है इन्हें काट खाओ। फिर मुझे तो कहते भी लोग जर्मन शेफर्ड हैं, पर
काटना भी मेहनत का काम है। मैं इन जैसे बेवकूफों पे वो चीज वेस्ट नहीं करना चाहता। आखिर मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये शॉर्टकट टू फेम थाईलैंड की उस मसाज वाली की तरह है जो दो पल का सुख देकर चली जाए, और मेहनत और टैलेंट से मिली सफलता उसी लॉयल बीवी की तरह है जो आपका जिंदगी भर साथ देगी। दोस्तों अब ये फैसला आपका कि किसे चुनेंगे आप। हेलो, आई हेट यू। अरे जानवी कपूर की पुशअप ब्रा, क्या हो गया? क्यों आना हुआ इधर तुम्हारा? तुमने मेरे पे वीडियो बनाया, कोई बात नहीं, पर तुमने मेरे को वीडियो में क्यों नहीं लिया? देखो अगर इधर कैमरा लगा था तो मेरे को बुलाना था ना। हाउ डेयर यू। अब तुमसे मैं नहीं बात करेगा, तुमसे मेरा भाई बात करेगा। कौन भाई? भाई, हाँ भाई साढ़े आ जाएगा तू अंटे में, आज तुझे पकड़ लिया। हाँ हाँ एल्विश, तूने मेरे को पकड़ लिया। काश तूने उस दिन वो स्कूल की बस भी पकड़ ली होती तो आज तेरे को थोड़ी नॉलेज तो होती। अरे वो साढ़े हुए, तेरा ना सिस्टम हैंग कर दूंगा। आज सारी नॉलेज लेके आया हूँ, जो पूछना है पूछ ले। ठीक है एल्विश, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, मेरे इस सवाल का जवाब पकड़ के दिखा। ये बता नीट स्कैम में क्या हुआ था? अरे वो साढ़े, हमें ना पता है वो नीट पीट, हम तो पानी और सोडे में ही पिए दारू, उसमें मजा आ जाता। What? ये मेरे पीआर टीम ने किसको भेज दिया मेरे साथ? छोड़ एल्विश, मैंने इसका कमबैक भी दिया ना तो मेरी ही बेइज्जती होगी। तेरी ये बातें सुन के आम आदमी के आईक्यू को कितनी तकलीफ होती है, तुझे कोई आइडिया भी है? हाँ साढ़े, आम आदमी की तो तकलीफ दिखेगी तुझे, पुराना याराना जो है तेरा है साढ़े, आज ना तेरा सिस्टम पाड़ के। एक मिनट रुक जा रजत भाई। हाँ रजत भाई, क्या हो गया? बम्बई आना है? क्यों? अच्छा लफड़ा हो गया क्या? अरे कौन साड़ा फालतू बोल रहा? ए बाज, अरे वो साड़ा अपना ही लड़का है, इस बार जाते हैं उसका सिस्टम ठीक करके आते हैं, और इस बार जाएंगे ना तो वो भाईचारा ऑन टॉप ना करेंगे, इस बार दिखाएंगे उसको कौन है असली ओजी। ठीक है भाई, आ रहा मैं। वाह फिर से लड़ाई, देखा यही तो तू है एल्विश। हाँ भाई साड़े, यही है हम, पहले इसको निपटाऊंगा फिर ये जो तेरा नीट है ना इसको पीट पीट के ठीक करूंगा। Excuse me guys, अगर कहीं लफड़ा हो रहा है तो मुझे भी ले चलो, जस्ट मेक श्योर वहां पे ना कैमरा हो, ठीक है? अरे ओए साड़े, तू ना दूर रह मेरे से, खट्टी आवाज के तेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दूंगा मैं, निकल रहा हूँ। अरे सिस्टम वेट करो, मैं आ रहा है एक मिनट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एज यू नो लाइक कॉमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखो भाई, कोई हेट हूट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? कोई किसी को इधर गाली नहीं देगा, कोई मेरी जनता नहीं, कोई दूसरे की जनता नहीं, कोई किसी को गाली गलौच नहीं। भाई मजे करो, वीडियो है, एंटरटेनमेंट है, फन के लिए लो, फन के लिए बात खत्म करो, ठीक है? कोई मेरे को तुम्हें पता है भाई, तुम्हारा भाई ना ये लफड़ाबाजी फसड़ों में इन सब चीजों में नहीं पड़ता, ठीक है? फालतू ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें नहीं चाहिए, अपने पास बहुत काम है, टैलेंट टूलेंट भी है थोड़ा बहुत भगवान की दया से, तो अपने को वो करने दो। बाकी दोस्तों हाईबॉक्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक, ठीक है? तो फटाफट जाओ डाउनलोड करो और एक्सपेंसिव गिफ्ट जीतो, एक्सपेंसिव प्राइजेस है जीतो, बढ़िया मजे करो। बाकी नई वीडियो मैं ला रहा हूँ जल्दी, इस बार ला रहा हूँ स्केच कॉमेडी, ठीक है? कुछ ओरिजिनल, जिन लोगों की डिमांड थी ना भाई कुछ ओरिजिनल ओरिजिनल, तो ठीक है आ रहा है भाई, मैं ला रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है आप लोगों के लिए। तो बाकी तब तक के लिए आप मेरी पुरानी देख सकते हो स्केच कॉमेडीज वगैरह। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।